हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्वीट किचन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। बहुत लंबे टाइम तक बीमार होने के बाद फाइनली मैं भी थोड़ा सा ठीक हुई हूँ और आज मैं आपके पास वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने केक की कर ली एक क्रम कोटिंग और फाइनलाइजिंग, और अभी हम बना रहे हैं इस पर डिज़ाइन के लिए कलर। और आज की डिज़ाइन हमारी बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन होने वाली है। सो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और शेयर कर दें फ्रेंड अपने फ्रेंड लोगों में, अपने ग्रुप में, और लाइक भी कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आती है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम कलर। तो देखिए, मैंने पिंक कलर बनाना है, तो मैंने क्या किया है, दो ड्रॉप डाला है पिंक कलर, पिंक जेल कलर, और एक ड्रॉप डाला है इसमें पर्पल कलर। और इसको अच्छे से मिक्स नहीं करना है, हल्का ही मिक्स करना है, क्योंकि मुझे जो फ्लावर चाहिए वो डबल शेड का चाहिए। ज़्यादा मिक्स कर देते हैं तो एक ही कलर का होता है, अगर थोड़ा सा मिक्स कर दें तो इसमें डबल शेड का इफ़ेक्ट आ जाता है। तो मैं बना रही हूँ रोज़। ये देखिए मैं किस तरह से रोज़ बनाती हूँ। तो फ्रेंड, मैं अपनी क्लासेस की वीडियो में ये डालूँगी, सेपरेट वीडियो बना के डालूँगी कि रोज़ किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ मैं इसको बना रही थी तो मुझे यही नहीं पता चला कि कैमरा में मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बाद में मैंने जब वीडियो की एडिटिंग करने लगी तब मैंने देखा, हाँ ये कैमरा तो टेढ़ा हो गया। क्या कर सकते हैं फ्रेंड, कोई बात नहीं, सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं किसी दिन आपके लिए फ्लावर पर। तो देखिए, मैं ऐसे एक एक पेटल उठा रही हूँ और उसको छोड़ रही हूँ। जहाँ से मैं पेटल को छोड़ रही हूँ ना, उसके मिडिल से दूसरी पेटल मैं ले रही हूँ। और इस तरह से हम अपना रोज़ कर लेंगे कंप्लीट। और इस पर कुल मैंने चार रोज़ बनाकर लगाए थे केक पर, और ये हाफ के जी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसके लिए बनाया, तो मैंने कोई मेज़रमेंट इसके लिए रखा नहीं। रखा क्या, मैंने थोड़ा सा हाफ के जी का प्रीमिक्स, जैसे मैं लेती हूँ 150 या 180 ग्राम, तो मैंने इसमें 200 से थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रीमिक्स लिया था, क्योंकि फ्रेंड का बर्थडे है, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने, हम चार लेडीज़ ने मिलकर गिफ्ट में उनको ये दिया था केक। तो ये देखिए, दो फ्लावर मैंने लगा लिए हैं, सॉरी तीन फ्लावर मैंने ऊपर लगा लिए हैं। और अब मैं इसके बॉर्डर पर लगाऊंगी ये साटन का रिबन। और हमें बॉर्डर में कोई डिज़ाइन नहीं देना है, सिंपल सा ये रिबन लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा रिबन है मैं उसको कट कर दूंगी और इसको इस पर पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, रिबन हमारा लग चुका है। और अब हम नीचे भी एक फ्लावर बनाकर लगा देंगे इस पर। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी और इसको थोड़ा सा प्रेशर देके इस पर प्रेस कर दूंगी। तो ये देखिए, रिबन लगने से हमारे केक का लुक कितना बढ़िया हो गया है। और अभी मैं एक फ्लावर इस पर ऊपर रखूंगी, क्योंकि मुझे ऊपर तीन फ्लावर रखने थे, तीन रोज, और एक रोजेस रखूंगी मैं इसके नीचे। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ रोज। पहले एक बट बनाई, बेस बनाया सॉरी, फिर ऊपर से एक और लेयर दी, फिर लास्ट में इसकी जो कली होती है ना वो बनाकर, और अब इसकी पेटल बनाएंगे। तो जहाँ पे मैं इसकी पेटल छोड़ रही हूँ उसके मिडिल से मैं दूसरी पेटल स्टार्ट कर रही हूँ, और फिर दूसरी पेटल को जहाँ छोड़ रही हूँ उसके मिडिल से तीसरी लेयर स्टार्ट कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं अपना रोज कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड, जैसे हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ी बंद बनाते हैं और फिर लास्ट में पेटल को थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारा रोज़ खिला खिला लगे। तो देखिए, थोड़ी सी क्रीम मैंने लगा दी है इसको सेट करने के लिए, और अब मैं इसको इस पर रख दूंगी। और ग्रीन कलर से मैं बना दूंगी इसकी लीव्स। तो देखिए, गार्डन कलर नहीं है, गार्डन ग्रीन कलर नहीं है, ये लीफ कलर आता है, तो मैंने वही लिया है। और दो ड्रॉप इसमें डाला है, ज़्यादा कलर मैं नहीं डालती हूँ क्रीम में, अदरवाइज जो मुंह में आता है, जीभ पे लग जाता है, हाथ में भी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब कलर कलर ऐसे है तो केमिकल ही ना, तो इसलिए जितना कम डाला जाए उतना अच्छा है। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स नहीं किया था, और देखिए इसमें भी मेरा सेडेट इफ़ेक्ट आ रहा है, कहीं पे वाइट और कहीं पे ग्रीन। तो दो डबल सेड का ये मेरा लीफ बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, लीफ मेरी बन चुकी है, और अब मैं इस पर करूँगी थोड़ी सी आर्टिफिशियल डेकोरेशन। ये देखिए फ्रेंड, अब मैंने लगाई है इस पर गोल्डन बॉल, और ये मैं तीन लगाऊँगी क्योंकि केक हमारा छोटा सा है, अगर हम इस पर ज़्यादा लगाते हैं तो
ज़्यादा ही डेकोरेशन हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैंने एक लगा दी है आर्टिफिशियल, जो कलियाँ होती है ना छोटी छोटी बर्ड्स जैसी, वो मैंने पहले ऊपर लगाई तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने नीचे लगा दी है ये। और कुछ लगा दूँगी मैं इस पर बंच, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा डिज़ाइन। और जो हमारा आगे थोड़ा सा खाली था ना ऊपर वाला सरफेस, में इस पर बना दूँगी पर्ल वाला बॉर्डर। ये पर्ल भी नहीं कह सकते इसको, हाँ पर लुक अच्छा दे रहा था ये। और इसके एजेस जो थोड़े से अनइवन से थे वो भी ढक गए हैं इसकी वजह से। और जो ये गोल्डन वो आता है ना, एक कागज़ जैसा आता है गोल्डन, क्या बोलते हैं, जैसे मिठाई ऊपर होता है ना चांदी का वर्क, ऐसे ये गोल्डन वर्क जैसा कुछ आता है। और इसके छोटे छोटे टुकड़े से करके मैं इस पर लगा दूँगी। और कुछ मैंने छोटे बड़े एडेबल पर लिए हैं जो इस पर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। और अभी मैं कर दूँगी इस पर सिल्वर स्प्रे, तो थोड़ा दूर से ही स्प्रे करती हूँ मैं, क्योंकि कहीं कहीं डल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी मैंने रख दिया इस पर एक बटरफ्लाई और लगा दिया है हैप्पी बर्थडे का टॉपर। तो कितना अच्छा लग रहा है ना हमारे केक का लुक, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, कुछ नया करने, कुछ नया सीखने। बाय बाय फ्रेंड एंड टेक केयर।